तो भाई साहब देख सकते हैं अंकित भाई आ रहे हैं। कैसे हैं भैया? अरे बड़े गले मेरे। अरे भाई क्या अंकित, राम भाई सारे ने तो मतलब आपको कैसा लगा कि देश के प्रधानमंत्री आपसे मिलने आए? भाई बढ़िया, मैंने भी लड़ाई में गया था भाई मिलने। तो मतलब अब कैसा खुशी है? बढ़िया लग रहा भाई, पूरे दुनिया में जाने जा रहे हैं, तो एक पापा का क्या रिएक्शन है उनके लिए? थैंक यू भैया। कैसा लग रहा है भाई? बहुत अच्छा लग रहा है मिलकर। भाई आपके कौन है? भाई भाई लगते हैं। अरे वाह, 16 का डोला भाई। तो हेलो मेरे जिक्र के छल्लो, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो फाइनली गाइस, आज का जो ब्लॉग है बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि भाई आज हम जा रहे हैं अंकित बियान पुरिया भाई से मिलने, अंकित सिंह से मिलने, क्योंकि भाई पीएम मोदी जी उनसे मिलने गए थे भाई। तो वाह मोदी जी, वाह वाह। तो भाई फुल पावर में चलते हैं हम लोग, फटाफट जाते हैं, टिकट करते हैं और निकलते हैं सीधा अंकित भाई के पास फुल पावर में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई साहब ये है रेलवे स्टेशन, यहाँ से हमें करना पड़ेगा टिकट और फटाफट चलते हैं बिना टिकट लेकर, क्योंकि भाई अंकित भाई से मिलने वाले हैं तो पैसा नहीं लगेगा है ना भे? टिकट ले लेना। तो चलते हैं, देर नहीं करते, क्योंकि यहाँ से हमें 60 किलोमीटर जाना है सोनीपत। तो चलते हैं, अंकित भाई के प्यार करने वाले हैं, या हमारे देश के प्रधानमंत्री को प्यार करने वाले हैं, मुझे प्यार करने वाले, इस चूतियों को प्यार करने वाले, इस चूतियों को प्यार करने वाले, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। चल भी। तो गाइस ये रहा हमारा टिकट और ये रही हमारी ट्रेन, तो फटाफट इस पे सवार होते हैं। वैसे जनरल में तो हालत खराब है भाई। तो भाई साहब देख सकते हो जनरल के हाल, देखो जनरल नहीं स्लीपर है, ये देखो एसी है, स्लीपर में देखो भाई इतना सामान आ रहा है। तो भाई देखो भाई पूरा भाग पीछे टीटी स्लीपर। अरे बाबा। तो भाई साहब अभी हम आ चुके सोनीपत, आई लव सोनीपत। तो ये है सोनीपत का रेलवे स्टेशन और अभी हमें जाना है यहाँ सीधा आगे, यहाँ से पड़ता है सुभाष नगर चौक। तो भैया से हमने बात किया तो भैया ने बताया यहाँ सीधा जाइए सुभाष नगर चौक, वहाँ से मिलेगा आपको ऑटो। वो भैया तो मैं हूँ। ऑटो जाइए, ऑटो आपका 10 रुपए या 15 रुपए लिया, क्योंकि हमने सोचा लोकल से बात करते नहीं तो फंस जाएंगे, ऑटो वाला कैसे बोले 200-300 ऐसा बोल सकता है, तो लोकल से बात करो देन निकलो। तो चलते हैं फटाफट सीधा इस रास्ते से सुभाष नगर और चलते हैं भाई अंकित भाई के पास। चलो फाइनली गाइस फुल पावर में हम बैठ चुके हैं ऑटो रिक्शे पे और अंकल जी देखिए कितना खतरनाक चला रहे हैं। अंकल जी क्या लगता है अंकित भाई मिलेंगे नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, पक्का मिल जाएंगे। अरे वाह, दिल खुश हो गया एकदम यार, दिल खुश हो गया आपने। इतनी तगड़ी चलाओ ऑटो के सीधा उनके घर पहुंचे हम। हाँ घर पहुंचाइए, घर पहुंचाइए। ये देखिए अंकल जी बढ़िया यार, मजा आ गया इनसे बात करके। और इन्होंने हमें मोटिव, अच्छा के पड़ोसी है। अरे वाह, अगर भाई अंकित भाई मिल गए ना तो दिल खुश हो जाएगा कि भाई पीएम मोदी उनसे मिले, उसके बाद हम लोग मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड। आप मिलने गए कि नहीं है कभी? हमारे गांव के जानने वाले, जाना चाहिए ना मिलने एक बार। इधर बंदा फेमस हो गया है। अरे मेरे गांव का नाम रोशन किया बहुत ज्यादा, खुशी उसको बहुत ज्यादा। अरे वाह सही यार, बाकी जो नाम इसके प्रधानमंत्री मिलने आए हैं बहुत बड़ी बात है, उसकी बात ही हमारे लिए बहुत बढ़िया बात, सही बात है। तो भाई साहब देख सकते हैं अंकित भाई आ रहे हैं। कैसे हैं भैया? अरे बड़े गले मेरे। ये देखो भैया कुछ बात, ये देखिए सब सारे फैंस खड़े हैं हमें मिलने के लिए। अरे भाई यार सच में भाई, भाई इस तरह का ठीक है भाई, एक बार थोड़ा सा जाना पड़ेगा, जा रहे हैं तो कुछ हल्का एक दो बात। राम राम भाई सारे ने तो मतलब आपको कैसा लगा कि देश के प्रधानमंत्री आपसे मिलने आए? भाई बढ़िया, मैंने भी लड़ाई में गया था भाई मिलने। तो मतलब अब कैसा खुशी है? बढ़िया लग रहा है। तो भाई साहब सारे फैंस देखिए यहाँ पे खड़े हैं। ओ भाई डम्बल पोज पहलवान बच्चे ना अंकित भाई, बाय बाय, थैंक यू टाइम देने के लिए।
तो भाई साहब अंकित भाई से तो मिल लिए। अंकल आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, मेरे पड़ोसी मेरे गांव के वाले जानने वाले हैं, हमारे देश के चाल बन चुके हैं उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग थैंक यू आने के लिए। तो भाई साहब ये अंकित भाई का घर देख लो, ये वाला ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे कुछ फैंस मिल गए भाई, फैन अंकित भाई कैसा लगा मिलकर? मतलब आप लोग हरियाणा के सब लोग, मतलब कैसा लग रहा कि आपके जो अंकित भाई इतना पॉपुलर देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात है, कैसा लग रहा है? तो तुम लोग भी कुछ करोगे? क्या करोगे आप? क्या करोगे? हेलो भैया, ये देखो ये फैन अंकित भाई हमारी इंस्पिरेशन है। कैसा लग रहा है? बोल बोल कैसा लग रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अंकित भाई अच्छा लग रहा है मेरे पड़ोसी। अंकित भाई आपके कौन है? अंकित भैया मेरे भाई, भाई लगते हैं। अरे वाह, तो भाई साहब ये देख सकते हैं सारे फैंस भाई इतना खुश है ना। आपको कैसा लगा? आप और अंकित भाई पूरे दुनिया में जाने जा रहे हैं, तो एक पापा का क्या रिएक्शन है उनके लिए? थैंक यू भैया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब यार दिल वाकई में अच्छा लग रहा है कि अंकित भाई से यार इतनी जल्दी मैं मुलाकात कर लूंगा। मतलब कुछ आइडिया नहीं था, मुझे तो ये लग रहा था कि अंकित भाई घर पे होंगे ही नहीं, शायद वो कहीं बाहर हों, मगर वो घर पे ही मिले तो दिल खुश हो गया। झाड़ू वाला आपने वीडियो देखा था ना, वो यहाँ का नहीं था, वो दिल्ली का था बहुत। चलो तो भाई साहब ये है अंकित भाई के दोस्त हैं जिन्होंने मतलब साथ रहते हैं काफी। दोस्त क्या होता है, वही सपोर्ट करता है। आज कैसा लगता है आपको? बढ़िया लगता है। एक बार डंबल दिखा दो अपने भी आप ऊपर तक जूते दिखा दो। ये देखो 16 का डोला भाई, समझ लो इनका इतना खतरनाक, तो अंकित भाई का कितना होगा? यस यस यस, उन्हें देख के तभी तो। अरे इसका निकला भी है यार। कैसा लग रहा बॉस? प्राउड फील होता है? तो बॉस अभी यहाँ से निकलते हैं बॉस, क्योंकि यार काफी अच्छा लगा मिलकर। और अंकल भी बहुत सपोर्टिव थे, सपोर्ट किया काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ के लोग और अंकित भाई स्पेशल, मतलब जो मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता भाई, आप जानते हैं अगर कोई इंसान वायरल हो जाता तो नहीं मिलता भाई, लेकिन अंकित भाई के साथ ऐसा सीन नहीं था। मस्त फोटो वगैरह क्लिक करवाया, फिर देखा ना आपने। अभी जा रहे हैं, ठीक है, जाइए अच्छे से जाइए सब। आज खुश है देखो, एकदम मुस्कुरा रहे हैं भाई मिलकर। ओके भाई, लव यू, लव यू भाई, अच्छे जाइए। तो भाई साहब ये लोग भी जा रहे हैं, और ये रहा हमारा ऑटो, तो ऑटो उधर से मोड़ के लाइए। और चलिए कि आज हम बहुत खुश है भाई, क्योंकि अंकित भाई से मिल लिया। ठीक है, अंकित भाई से मिलना अब देश के प्रधानमंत्री से मिलना बराबर है। बराबर है भाई, क्योंकि उनसे तो अभी हम मिल नहीं सकते, लेकिन आप लोग सपोर्ट प्यार रहे तो शायद मिल लें। तो प्यार सपोर्ट करते रहो, अंकित भाई के फैंस हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। चलो अंकल जी, चलो 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 चलो। फाइनली गाइस अंकित भाई से मिलकर फिर से हम आ चुके हैं सोनीपत रेलवे स्टेशन, क्योंकि अभी हमें यहाँ से ही जाना है। बाकी आप लोगों को कैसा लगा मिलकर, क्योंकि मैंने मिलवाया ना आपको, तो भाई लिटरली बहुत अच्छा लगा। तो अभी फटाफट चलते हैं यहाँ से अंदर, टिकट लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं सीधा दिल्ली के लिए। तो भाई साहब अंकल जी जा रहे हो? हाँ बिल्कुल, अच्छा लगा मिलकर, अच्छा लगा क्योंकि अंकल जी बहुत हेल्पिंग थे, सीधा घर तक लेकर चले गए, अंदर भी घुस गए घर के और मिलवाया। थैंक यू सो मच, ऐसे तरक्की करते रहिए, आप लोगों की हेल्प करते रहिए, ठीक है। ओके हाय, तो पानी चलते हैं फटाफट अंदर, सीधा रेलवे स्टेशन टिकट लेते हैं और सीधा निकलते हैं दिल्ली के लिए। भाई मज़ा आ गया बहुत अंकित भाई से मिलकर, अच्छा लगता है यार, क्योंकि बंदे के अंदर ना मतलब क्या था, एटीट्यूड ईगो करने था। आप किसी के पास और जाते ना तो बंदा मिलता नहीं यार। तो चलते हैं अंदर। ओ गुलामी ना होवे देख किसे साले की सुन। तो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं भाई सरोजनी मार्केट के बगल वाली मार्केट, सस्ती वाली मार्केट, और यहाँ से हमने ले लिया जैकेट। अरे हमें लगा कि अंकित भैया से मिलके आ गए, हमें बहुत अच्छा लगा। तो भाई अंकित भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा, लिटरली यार हम्बल पर्सन थे यार, कि मतलब गए टाइम निकाला और हमसे मिला। मतलब क्यों अक्सर होता ना भाई, जब आदमी बड़ा हो जाता ना भाई लोगों से मिलते नहीं, लेकिन उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं था। काफ़ी अच्छा लगा, और वीडियो पसंद आया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब मारना, लाइक करना, और उनके फैन है और आप भी हार्डवर्क करने जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे हम आपको हंसाते रहेंगे हमेशा। यस, रुलाएंगे नहीं कभी, हंसाते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, जब तक के लिए टाटा टाटा, बाय बाय, लव यू।